हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अक्षरा बोली कि अगर इस बार हम चले गए तो उसके जिम्मेदार जो है वो प्रतीक शेजवाल ही होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ अक्षरा ने आखिरकार ऐसी बात क्यों बोली। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिव्या और अक्षरा काफी सारी बातें कर रहे हैं, जहां पर दिव्या ने बोला कि ये कनेक्शन का सीन जो है वो काफी ज्यादा अलग सा है, अफेक्ट होता है। अगर एक कनेक्शन कुछ बोल दे या दूसरा कनेक्शन कुछ बोल दे या कुछ कर दे तो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है। प्रतीक ने काफी सारी जो चीजें की, जो एक्चुअली में जंप किया वो काफी ज्यादा गलत है, उसको तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि मैं अपना देखूंगा, तुम भी अपना देखो। उसने 2 हफ्ते तक कुछ भी तुम्हें हिंट भी नहीं होने दी, और उसके बाद सडनली जब ये मौका आया तब उन्होंने जो है वो जंप कर लिया। और ये अफेक्ट होता है, जैसे कि तुम्हें भी हो रहा है, जैसे कि मुझे भी हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया था, जिशान ने जो भी किया, चलो उसके हाइपर होने के कारण उसने सब चीजें किया और वो निष्कासित हो गया, पर अफेक्ट मुझे तो हो रहा है ना। अभी मैं अकेली, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं किसी टास्क में हिस्सा नहीं ले पाती हूं, तो मैं यहां पर क्यों हूं। तो उसी दौरान ही वहां पर अक्षरा बोलती कि हाँ सही बात बोल रही हैं आप, कि अगर हम इस बार यहां से चले गए तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो प्रतीक ही होंगे। तो अभी अक्षरा जो है अगर इस बार घर से बेघर हो गई तो वो उसका जिम्मेदार जो है वो प्रतीक को मानती हैं। क्या आप लोग भी मानेंगे? हालांकि हम सब लोगों को पता है कि अक्षरा इस बार घर से बेघर नहीं होने वाली है, पर अगर बिग बॉस ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है भाई। पर फिर भी क्या आप लोगों को लगता है जो अक्षरा बोल रही है कि जिम्मेदार प्रतीक ही है, तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।